सिर्फ ये हेलो एवरीवन हाय अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी हेयर नहीं कार्तिक आज ज्यादा वेट नहीं करेंगे और oh, अच्छा यहाँ पे किसका बिल्कुल कर हेलो भारत हेलो जल्दी जल्दी सबको बुला लीजिए क्योंकि हम फटाफट नहीं करने वाले यहाँ आज हम फटाफट से मेंटी स्टार्ट करेंगे और फटाफट से रैप अप कर देंगे तो जल्दी से ज्वाइन कर लो यार पांच मिनट में सब लोग ज्वाइन कर लो जल्दी फटाफट सब लोगों को ज्वाइन कर लेना है हेलो मनश हेलो मनश हाय कार्तिक सिंह ओके हाय फटाफट से शेयर करिए यहाँ बुलाइए सबको ताकि हम यहाँ पे ओके फाइव बस हम लेके हाँ, उससे ज्यादा वेट नहीं हाँ, आज हम फाइव मिनट्स में स्टार्ट कर देंगे टुडे वी आर नॉट गोइंग टू वेट ठीक है हम आज वेट नहीं करने वाले ठीक है तो आज जल्दी से कोई स्टार्ट होगा निर्मा इज बैक ओ वी बोथ आर फाइन विद द नेम विद द नेम यस निर्मा शेटे असानिया भी आ चुकी है वेरी गुड सानिया आदिल बेटा आपका चैप्टर कौन सा था आई थिंक इट्स नॉट इन फिजिक्स आई थिंक आप इंटीग्रेशन बोल रहे थे इट्स नॉट इन फिजिक्स ठीक है सिलेबस इन सीबीएसई सिलेबस तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं ठीक है हाँ सात्विक तो हम तीन बजे तक खत्म कर देंगे सात्विक इज आल्सो हियर हाँ तो सात्विक इतनी हम तीन बजे तक खत्म कर देंगे ठीक है हम तीन बजे तक ओवर कर देंगे संजय ही इज ब्रेनिक ओके okay, यहाँ पे ब्रेनी एक संजय ओके सक्षम हेयर हाय सक्षम हेलो पूजा हेलो मोहसिन हाय मैम लेट्स सी हाउ मेनी हैव जॉइंट येट हाँ क्योंकि हम लोग ज्यादा वेट नहीं करने वाले हैं ओके नाइनटीन ने अभी ज्वाइन किया यार फटाफट वेट कर लो आज हम मेंटी जल्दी स्टार्ट करेंगे जल्दी से कर लीजिए डीसी फोर डी टुडे टूडे विल स्टार्ट द मेंटी सून एंड वी विल नॉट एक्सटेंड इट मोर संचित की तबीयत खराब है गेट वेल सून बेटा गेट वेल सून थोड़ा ध्यान रखिए शायद सर्दी का है तो मौसम भी चेंज है और बहुत ज्यादा होगा कोड इज 8088 कोड है यस yes. 8088219 इज द कोड सानिया इज केक। ओह ये रही किक ये रहा कि पेंगुइन भी है यहाँ पर ओह पेंगुइन प्रशांत। ये बड़ी सी पेंगुइन मैं हाय मयूर फटाफट से जल्दी से ज्वाइन कर लो बच्चा ठीक है फटाफट आज हम नहीं वेट करने वाले हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर देंगे कार्तिक okay. oh, तो ये तो, ये दे। के कैट कार्तिक बॉक्स सो so, यहाँ पे लीफ ढूंढो संचित कैरल लीफ लीफ उसको लीफ बोलेंगे हम ग्रीन है इसलिए ये मैम ये हो सकता है Uh, so तो आपके एग्जाम से ओमिट हो गया टॉपिक बिल्कुल आप ये बात सही कह रहे हैं लेकिन हम एन टी एस सी को भी टारगेट लेटा yes, तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे और हार्दिक का चैप्टर लाइ मैं तो इस बार ओ यस हेलो शिम्पी हाउ आर यू हाय शिम्पी हाउ आर यू गुड आफ्टरनून सही पकड़ा संचित कह रहे हैं ओके वी आर फाइन शिम्पी हियर एसएस गेमिंग इज सात्विक पहला क्वेश्चन तो सरप्राइज है कि किसका है हम नहीं रिवील कुछ भी हो, हो कुछ भी हो हमें क्या है, है? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कुछ भी हो मैम हंड्रेड क्वेश्चन की क्विज लेकर आई ओ बाय गॉड कार थाउजेंड लिखा है मैम हंड्रेड नहीं ओ थाउजेंड फ्लैटी हो जाएंगे हम लोग तो

ज़्यादा नहीं नहीं करेंगे मिनट और स्थी 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 कर क्या, और कर कर क्या क्या या या करें करें ही बोलते लेते हैं ठीक है चलो मैम ने जो कहा वही होगा आई डू मेडिटेशन एवरी डे इट इज वेरी गुड इफ यू डू मेडिटेशन एवरी डे वेरी गुड नवीन आई नो यू अक्सर ये हमारे सेशन में अक्सर आते हैं सो so, हम आप सबको जानते हैं जो रेगुलर बेसिस पे आते हैं ऋषिका बिल्कुल हम स्टार्ट करेंगे और हमारे पास आज क्वेश्चंस कम है yes, Naveen, 18 ये तो मैं रिवील कर देती हूँ और हम ये विद इन एन आर खत्म कर विद इन एन आर वी विल नॉट एंक यस yes, नवीन जानते हैं आप हमारे सेशंस में आते हैं देखते देखते हमें मालूम है हमारे बच्चे कौन से हैं कौन से स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे अटेंड करते हैं गूगल so, से लेना यार आप लोग डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना वही से आप क्या करो ज्वाइन कर लो हेलो नवीन हाय आदिल आज नहीं खेलेंगे कह रहे ओ कोड इज एट जीरो एट एट टू वन नाइन एट

हाय सजल हेलो यार uh, कार्तिक जस्ट okay, so, uh, -फड़ दिखा दीजिए मैम दिख तो रहे हैं हम लोग स्टार्ट करने वाले शिम्पी दिव्या ने थम्स अप कर दिया दीपक कृष्णा भी है जल्दी तो जल्दी ये हमारे लीडर बोर्ड पे आई थी डे बिफोर यस्टरडे वाले में, में बिल्कुल सक्षम सिंह कार्तिक सिंह कोड पूछ रहे हैं बेटा कोड इज एट जीरो एट एट टू वन नाइन ठीक है एट जीरो पर लिखा हुआ है एट एट टू वन नाइन इज द कोड सो ऑल द बेस्ट टू एवरी ऑल बेस्ट एवरी वन दो ही यहाँ पे नंबर है आप ऊपर देख सकते हैं है है अभी अभी भी भी बच्चे शायद कर कर रहे है। मुझे अभी भी कर रहे हैं है हैं मुझे आता ऐसा लग रहा है दो मिनट और, तो और वेट करेंगे तो मैम लास्ट दो मिनट चाहे आंधी आए तूफान आए ज्वाइन अरे आदिल आपको तो नहीं करनी थी वही तो मन बदल गया अच्छा मन बदल गया इनका डिस्क्रिप्शन में जाओ ठीक है और लिंक ठीक है वहां दिया हुआ ज्वाइन कर लो मेन आप प्लीज अपना ध्यान he has उनको हुआ है, so हाँ, बिल्कुल हम लोगों को लग रहा है की दो मिनट तो टू टेन पे डॉट हम स्टार्ट करेंगे तो हम रहो स्टार्ट करने के लिए। जितने लोगों को ज्वाइन करना है फटाफट कर लो टू टेन पे डॉट जय महाकाल ऑल दी बेस्ट चलिए हाई मैम बस Best 2 टर्न हो जाए टू एवरीवन और बिल्कुल मैं यहाँ रेडी हूँ स्टार्ट दबाने के लिए मैं एकदम रेडी है स्टार्ट के लिए जैसे ही मैम बोलेंगे स्टार्ट यहाँ पे देख लेंगे कि सब रेडी हैं आ गए सब कुछ है हेलो शाहिद हाय ओके हाय पीयूष स्टार्ट करो हाँ रीना स्टार्ट ओके तो रेडी रहो एकदम रेडी हैं सब लोग टाइम होने वाला है 2 210 होने वाले हैं ठीक है हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देने वाले हैं ठीक तो है, है? संचित आप अपने मेंटीमीटर पे ध्यान रखिए और क्वेश्चन के आंसर दीजिए कोई बात नहीं आप स्क्रीन पे मत आए कोई बात नहीं कम चार्ट करें आप आंसर सही दीजिए अपना टाइम लेके टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ऑल द बेस्ट टू एवरीवन स्टार्ट कर दे मैम बिल्कुल मैम लास्ट बस हमारे यहाँ पे टाइम टू टेन हो जाए ताकि जो मैंने बोला है वो बात रख ली जाए अच्छा आदिल कहते हैं बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है पर एक बार मैंने भी खेला था इन बच्चों के साथ हमें तो नहीं करना पड़ा पी में सी मैंने, मैंने भी खेला था मैंने भी खेला मैंने हमने मिल के के था खेला था हमने मिलके मिलके क्या सपने और बड़ा मजा आया बहुत था। मजा आया था और वहां पे भी हम लोगों को नहीं करना पड़ा ठीक है इन कर्व हाफ वेवलेंथ इज इन द करव हाफ देंथ इज ये हमारा आ गया पहला क्वेश्चन जल्दी से लिंक नहीं है डिस्क्रिप्शन में में तो मैं अभी तुमको दे देती बेटा आ गया नाइट बोल्ट में वहां देख लीजिए अच्छा आ गया है, है ओके नहीं मैम लिंक डिफरेंट है अभी तो... मैं लिंक प्रोवाइड करने की कोशिश अच्छा तो भरत आप ऐसा करिए आप मेंटीमीटर गूगल पे जाइए फटाफट -फड़ से और ये वाला कोड वहां पे डाल दीजिए आप ज्वाइन कर जाएंगे ओह नो सिर्फ 37 लोगों ने सही जवाब दिया भाई आप सी बोल रहे हैं no, और क्या हलवा भी है देखते हैं कितना हलवा है ज्यादा तो नहीं दिख रहा देखो यहाँ पे ठीक है ए भी है ए दिया है ये बी है ये सी है, है ये डी है, है और ये ई e है हमें पूछा है हाफ द वेवलेंथ हाफ द वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन वन ठीक है ठीक है डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट और टू ट्रफ ठीक है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर हाफ वेवलेंथ हमारा ये हो जाएगा बी डी हो जाएगा ठीक है हो 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 जाएगा Sorry, B... हाँ, हो जाएगा हाफ हमारा हो जाएगा चलिए हमारा ठीक है हमारी हाफ वेवलेंथ यहाँ बी डी होगी ठीक है तो बहुत सिंपल था यहाँ पर बी से डी के बीच में आप देख सकते हैं बी डी विल बी दी हाफ वेवलेंथ अगर ऑप्शन में ए सी दिया होता तो आप सी भी कर सकते थे फुल कर दिया ना? फुल फुल नहीं करना था हाफ करना था ठीक है हाफ करना था समझ में हो गई वन ठीक है बी टू डी विल बी हाफ किसी को डाउट तो नहीं है नॉट ए ए नहीं होगा बच्चा ठीक है ए नहीं होगा ठीक है ए तो हाफ की भी हाफ हो जाएगी आई थिंक ए ऑप्शन वॉज ए बी इट विल बी हाफ टू हाफ तो यहाँ पर बी डी ऑप्शन से देखना बी डी विल बी द राइट आंसर ओके सो ऑल बेस्ट हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे सो so, पहले हैं। बिल्कुल नहीं संचित ए नहीं होगा बच्चा ध्यान से देखो वेवलेंथ पे जा रहे हो ठीक है क्वेश्चन को ए नहीं नहीं बोला, फुल देख लिया था उसने फुल नहीं है बहुत अलग बच्चे और सृष्टि इतने दिनों बाद दिख रही है सृष्टि चार्ट पे नहीं है गहाना ओके गहाना फास्टेस्ट सृष्टि गहाना मार्स मार कौन है भाई एसी फुल है मैम तो ए भी होगा एसी फुल नहीं है ना क्रस्ट बेटा आप क्वेश्चन एक बार फिर से चेक कर रहा है क्वेश्चन दिव्य प्रसन्न ड्रैगोनाइट टीक्यू सीपी फॉर एफर्ट्स स्वराज आ चुके हैं अभिजीत श्रीवास्तव ये भी हमारे वेंटी के विनर रह चुके हैं बिग फैन ऑफ नाज मैम ऋषि ऋषिकाश्य पूरा नहीं ये नाज मैम चिटाली मैम लिख रहे थे पूरा नहीं आ पाया लेकिन ठीक है तो यहाँ पे ऋषि ओके okay, ऐसा लिख रहे हैं कोई बात नहीं आई डोंट माइंड इफ यू लाइक नाज मैम शी रियली वेरी वेल सो दैट्स ओके ऋषि वेरी गुड नवीन केरला एन टी एस सी वेरी गुड नवीन केरला ऑल दी बेस्ट फॉर बायो ठीक है मैम एक्चुअली क्या है क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ है आप लोग क्या है क्वेश्चन को देखना और ऑप्शंस देखना ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर जो है वो बिल्कुल सही है ठीक है आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कुछ लोगों को कंफ्यूजन है ठीक है तो यहाँ अगर हम दूसरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे तब मैं एक बार और देख बता दूंगी जिसको भी डाउट है वरना क्वेश्चन नहीं बिल्कुल सही है एसडी क्वेश्चन ठीक है मैम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ओके सो ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट लेट्स सी की व्हाट विल बी द आंसर हियर क्वेश्चन के सब्जेक्ट का है वो भी देखना बनता के गेस्टी गेस्टी है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ब्रदर फोर्स अल्फा पार्टिकल्स केटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ ये तो बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है।, है सबसे पहले ही पढ़ लेते हैं हम नहीं संचित बच्चा आप क्वेश्चन देखो ध्यान से सज्जल आ गया क्वेश्चन आप फटाफट से रिप्लाई करें और गुड आफ्टरनून नवीन कुमार डिस्कवरी हुई थी क्या डिस्कवरी हुई थी यहाँ नहीं आंसर देना है बी सी ए और सिर्फ डी बचा अभी गुड आफ्टरनून नवीन ओके okay, यहाँ पे देखते हैं क्या आंसर होने oh, वाला ओ वेरी गुड 69 हैव गिवन द राइट आंसर अरे यार न्यूक्लियस इन द एटम इज द राइट आंसर अभी जीन इट्स ओके बच्चा डोंट बी सॉरी इट्स ओके वी वोंट माइंड दैट ठीक है अब इतना माइंड नहीं करेंगे दैट्स ओके विद एवरीवन यस तो यहाँ पे 69 लोगों ने सही जवाब दिया है, अच्छा है हाँ, अच्छा का जो गो, था, वहां से उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी ठीक है चलिए चलिए अभिजीत करिए चलते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ठीक है लीडर बोर्ड देख लें एक बार हाँ पहले लीडर बोर्ड देख लेते हैं या फिर एक्सप्लेन लीडर बोर्ड मैंने लगा दिया है तो लीडर बोर्ड देख लेते हैं ओहो, दिल्ली से गाना चलेगा। फास्टेस्ट। दिल्ली दिव्या गए फास्टेस्ट। प्रवीन फास्टेस्ट। प्रवीन, आ गए ऋषि ऊपर उठ गए येलो दोनों मैम के फैन है पीयूष वही तो नहीं है जो लास्ट टाइम जीते थे ओके प्लीज कंफर्म आप वही तो नहीं है जो विनर थे हमारे लास्ट में बिल्कुल अनुश्री, अनुश्री, भी थी। नहीं है। अनुश्री का फोटो मैंने देखा है जो सेकंड हाँ है, है तो ए बी इज रॉ वन फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पर डीई e दिया है ठीक है डीई e भी गलत होगा ये भी वन फोर्थ वेवलेंथ है ठीक है फिर ऑप्शन में ए e दिया है तो ए e तो फुल वेवलेंथ है ऑप्शन से जाओ बी डी है ना बेटा बी डी बी डी क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो जो जो कह रहे थे कि गलत है बिल्कुल नहीं ए बी इज वन फोर्थ ठीक है हाफ की भी हाफ है ए बी ठीक है और बी डी जो है इट इज हाफ वेवलेंथ अगर ऑप्शन में ए सी दिया होता तो, तो सही होता, होता। मैं है? नहीं मैं ये बोलने वाली थी मैम कि अगर एसी है तो वो भी हाफ है यस yes. पर एसी कहीं ऑप्शन में नहीं यस yes. तो संचित बच्चा आप क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा यहाँ कंफ्यूजन होता है कि हम हाँ। एक, कि एक वेव मानते हैं जबकि एक वेव पूरी, पूरी, पूरी ये वे होती, होती है।, है ये देखो तुम्हारी जो ताले मैम ना फिजिक्स पढ़ा रही है टैलेंट देखो मैम का तो ये पूरा पूरी वेव ये होती है कॉमन मिस्टेक मैं भी करती थी ठीक है हां मैम अच्छा चलिए तो आई होप अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा मैम इन लोगों को चलिए तो मैम आगे बढ़े ओके okay. समझ गए ना संचित आपने वन फोर्थ कर ये, ये common common है। था क्रस्ट और एक ट्रफ चलिए मैम नेक्स्ट क्वेश्चन डिफॉल्ट अकाउंट है यहाँ पे पीयूष लगता है अच्छा चलिए हम मूव ऑन करते हैं अपने प्लीज ध्यान रखिएगा क्योंकि मेरे बायो का होगा शायद ऑल द बेस्ट कुछ बच्चों को यहाँ बायो टफ लगती है तो प्लीज ध्यान से करें ठीक है यहाँ पूछा गया इनमें से कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसमें क्लोरोफिल नहीं है बहुत सिंपल है ज्यादा टाइम इसलिए मैंने दिया भी नहीं है इनमें से सारी ग्रुप्स में से एक ऐसा ग्रुप है एक ऐसा ग्रुप है कोई बात नहीं है तो हम हमें पता चल गया कि आप पीयूष हैं ठीक है सो लास्ट टाइम भी हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे इस बार बिगनिंग से क्लियर हो गया डिफॉल्ट अकाउंट आप पीयूष है यहाँ पे आप देखते हैं अरे सक्षम नीट मिस क्लिक कैसे किया नीट देनी है हमें हाँ कोई बात नहीं करेक्ट आंसर्स एंड बी ऑन द लीडर बोर्ड दैट्स अ वेरी गुड थिंग सिंपल है अगर हम यहाँ पे एल्गी की बात करें थैलोफाइटा किंगडम की बात करते हैं तो क्लोरोफिल तो होगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखता है लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं फंजाई की तो वहां पे ये सेप्ट्रोट्रॉफ हैोट्रोफिक न्यूट्रिशन दिखता है दे डू नॉट है राइट right. सो so, अब यहाँ पे सिंपल है मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दे दिया है सो so, मैम क्या लीडर बोर्ड देख लेते हैं बिल्कुल हा? देख लेते हैं मैम बिल्कुल हम यहाँ पे लीडर बोर्ड देख लेते हैं और देखते हैं यहाँ किसका आया राइट सो फटाफट से लीडर बोर्ड देख लेते हैं और यहाँ मिस्टेक होनी नहीं चाहिए काफी बच्चों की बायो यहाँ काफी अच्छी है सो so, बस प्रवीण का मुझे समझ में आता है आप देखना प्रवीण पक्का बोलेंगे कि मैम आपकी बायो की वजह से मैं नीचे आ गया ड्रैगन आइड ने फास्टेस्ट आंसर दिया है वेरी गुड वेरी गुड अनूर ऊपर आ गई अभिजीत आ गए ऊपर प्रसन्न प्रवीण बहुत सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री और फिजिक्स के हैं सो यू विल कम अप अगेन आई एम श्योर अनुश्री इज ऑलरेडी देर रियाज एक नए आए हैं मैम और दिव्य हैं एक और आ गए नए सदाशिव कुमार गाइज कीप हिटिंग लाइक्स यार कीप हिटिंग लाइक्स दिस सेशन ठीक है सो ओह आदिल का नेट चला गया था oh. कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई बात नहीं ओके सो यहां पे चलते हैं आगे बिल्कुल मैम नेक्स्ट क्वेश्चन करें हां ये ड्रैगन नाइट कौन है ये बता दिए? ये अपना नाम बता दीजिए बेटा फास्टेस्ट आंसर दिया है आपने ठीक है सो जब तक तो ये नाम बताते हैं अपना ड्रैगन नाइट

मैम या तो लिंक दे रही हैं या फिर आप गूगल से मैम में लिंक दे दिया है चलिए मैम ने लिंक दे दिया ये लिंक जो मैंने आपको अभी अभी सेंड किया है इस लिंक पर क्लिक कर दो बच्चा ठीक है इस लिंक पर क्लिक ने अभी एक लिंक भेजी है आपको क्लियर दिख रहा होगा www.menti.com उस पर क्लिक करिए भारत फटाफट फड़ से ज्वाइन करिए मेंटी और फिर जैसे आप ज्वाइन करें ना हमें जरूर बताइएगा कि आपने हमारी मेंटी ज्वाइन कर ली है ठीक है और यहाँ ज्यादा टाइम नहीं बचा है मैम ये ना क्वेश्चन में मैंने 50 सेकंड्स इसीलिए दिए थे क्योंकि थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मैं देखना चाहूंगी okay. कितनों ने सही किया ओ माय गॉड ओनली 36 36 हाय ड्रैगन नाइट थैंक यू फॉर अस चलिए लेट हो गए लेकिन जल्दी से ज्वाइन करिए मैं क्वेश्चन मैं मैं चाहूंगी लोगों को बिल्कुल मैम ओके सो क्वेश्चन ये है आंसर हमारा आएगा सी थ्री इंटू टेन की पावर माइनस थ्री ठीक है तो एक मिनट ठीक है देखो यहां पे हमें फिलोसिटी दी हुई है एक मिनट ठीक है थोड़ी बोर्ड पे जगह कम है तो वेलोसिटी हमको दी है 1500 मीटर पर सेकंड ठीक है और अब यहाँ टाइम पीरियड क्या होगा एक वेव का तुम लोग फिर वेव की गलती ना करो टाइम तो यहाँ शायद क्लियर दिखा रहे हैं। अच्छा ऐसा हार्दिक नहीं बेटा देख रहे चलिए मैं फिजिक्स ही बता रही हूँ बेटा यहाँ पर एक वेवलेंथ का पहले तो टाइम पीरियड देखो तो ये पूरी ठीक है ये तो आपकी हो जाएगी हाफ वेव ठीक है फर्स्ट हाफ वेव ये हो जाएगी दूसरी हाफ वेव ये हो जाएगी तो ये पूरी कितनी बन गई ये पूरी वन वेव बन गई ठीक है थोड़ा सा देख सकते हैं पूरी वन वेव बन गई थोड़ा इमेजिनेशन बढ़ाओ आप ठीक है नीचे दो जो इमेजिनेशन बढ़ाया करो थोड़ा सा विजुअलाइज करा करो चीजों को तो यहाँ पे ये वन फोर्थ वेव वन फोर्थ वन फोर्थ वन फोर्थ तो पूरी एक वेव बन गई पूरी एक वेव का टाइम है टू माइक्रो सेकेंड पावर माइनस सिक्स यानी टू माइक्रो सेकंड का मतलब है मैडम टू इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स यही गड़बड़ की होगी का कन्वर्शन अब मैम फॉर्मूला है क्या होता है फॉर्मूला होता है वी इक्वल तो टू okay. एन लैमड़ा ठीक है लिख सकते हैं तो लैमड़ा बाई टी हो जाएगा तो मतलब लैमड़ा क्या हो जाएगा वी इंटू टी ठीक है

हम इनकी चार्ट नहीं देख रहे हैं जो कि बहुत गलत है नहीं हम देख रहे तुम करी नहीं रहे चार्ट ठीक है अरे भरत मैंने अभी अभी लिंक डाला था बच्चा कोई मेरा लिंक ना कॉपी करके वापस डाल दो यार भरत के लिए ठीक है ने नहीं देखे हाँ बच्चा पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखो और मुझे पता है चलो, फटाफट से क्योंकि बहुत मिस्टेक्स थी तो रुकना जरूरी था मैम का समझाना जरूरी था जो कॉमन मिस्टेक्सुअे हार्दिक वो कोर्ट से नहीं कर पा रहे तो मैम एक बार फिर लिंक भेज रही है हार्दिक ठीक है सृष्टि प्रसन्न ऋषि वा ऋषि थॉट पे आ गए कह रहे थे मेरा आंसर सही है पूजा कई बात पूजा दैट्स आप और ठीक है आ, हार्दिक आई ए एस आई आई टी ये हार्दिक जैन है? हार्दिक जैन आ गए हार्दिक ओ, जैन आई आई टी अच्छा ये गलत बात है दो दो हार्दिक है एक ने जैन लगा लिया बस आया करो यार ये गलत है तो दो हार्दिक के बताए फटाफट नहीं मैम दो तो हो ही नहीं सकते एक जैसा विजन ये तो पॉसिबल ही नहीं है प्रथमेश सब आई आई टी वाले आए हैं और दिशांत हार्दिक अच्छा, 2023 में करेंगे

थोड़ा जल्दी करना जल्दी बिल्कुल हम जल्दी कर रहे हैं आ गया केमिस्ट्री का क्वेश्चन है गाइस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है सिर्फ थर्टी है थर्टी सेकेंड है ध्यान से देखो और सोच लो मास नंबर ट्वेंटी सेवन है न्यूट्रॉन्स फोर्टीन है थ्री पॉजिटिव चार्ज है ठीक है और मुझे एलिमेंट का नाम कमेंट सेक्शन में बताना है अगर ऐसी बात भारत तो फिर आप तो एक मेंटीमीटर खोलिए गूगल पे जाके और ये वाला कोड वहाँ जैसे मांगेगा आप ये वाला कोड डाल दीजिए तो डायरेक्ट मास नंबर न्यूट्रॉन्स थ्री पॉजिटिव चार्ज मुझे एलेवें नाम, नाम भी दे दिया एल्यूमिनियम वेरी गुड अच्छा इतना सिंपल बोलने के बावजूद ऐसा कैसे हुआ यार ये नॉट डन बच्चा मैम यहाँ पे मास नंबर जो है ठीक है वो हमें दिया हुआ है ट्वेंटी सेवन ठीक है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए हुए हैं ठीक है हमें फोर्टीन तो नंबर नंबर ऑफ बराबर होता है दो दो के ठीक है बाहर करते वो किसके बराबर होता है ट्वेंटी सेवन माइनस फोर्टीन यानी थर्टीन अब मैम यहाँ बोला है थ्री पॉजिटिव चार्ज अब थर्टीन एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है बस एल्यूमिनियम की बात है एल्यूमिनियम हाँ

मैम बायो, बायो बायो प्लीज आ रही, रही राघव तो दो क्वेश्चन बायो के। बायो के है। है। दिव्या पे कर रहे लीडर बोर्ड देख लेक्स्ट ले। में मूव करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन है टाइम है हमारे पास कम सृष्टि का क्या हुआ दे नहीं पाई या दे नहीं पाई और कहानियां आ गई है जो यहाँ शरीफ की

अच्छा हटा दूंगा लास्ट में दोनों में से कोई एक तो रहना चाहिए ना मैम लीडर वोट पे वेरी स्मार्ट चलिए अच्छा अच्छा फेयर गेम खेलना बच्चा ठीक है मूव कर रहे हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो का आना चाहिए वर्णा यस ये बायो का ही क्वेश्चन बायो का है, है।, है। यहाँ पे आप नवीन यार मैं अपना फोन यही रख लेती हूँ जीनस में से एक ढूंढना है ठीक है आपको एक... नवीन मैंने जो लिंक दिया है ना उस उसपे क्लिक करो मैंने अभी अपने फोन से एक लिंक दिया है उस उसपे आप क्लिक करो ठीक है आपको ऑर्डर और जीनस के बीच का ढूंढना है और ऑप्शंस वहां दिए हुए हैं बहुत सिंपल और क्लियर है ठीक है डी तो बिल्कुल नहीं होगा जिसने भी यहाँ डी लिखा है सिंपल आपको वो हर याद रखनी पड़ेगी क्लासिफिकेशन में हर हमेशा काम आती है कोई यहाँ पे फटाफट से लिख सकता है हर स्टार्टिंग फ्रॉम किंगडम एंड देन एंडिंग ऑफ स्पीशीज पर बहुत टाइम लग जाएगा सो so, यहाँ पे किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज तो यहाँ पूछा गया था ऑर्डर और जीनस बीच के बीच क्या आता है कौन सा यहां पे आता है ये चिमपी इट्स बायो और सीधा सीधा यहां पे आंसर था फैमिली कंफ्यूजन हो गया था अरे हार्दिक अक्सर मैं लाती हूं हर का तो हमेशा क्वेश्चन रहता है सक्षम नीट है क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहे ठीक है अगली बार मैं आपको वो आउट कर दूंगी। बिल्कुल सजल हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं यहाँ पे ज्यादा कुछ समझाने का था नहीं ठीक है यहाँ पे आपको हायरकी ऑफ क्लासिफिकेशन याद करनी पड़ेगी जो सेवन टेक्सास है ऋषि ही है हार्दिक कन्फ्यूज थे इसलिए ये दो से स्मार्ट वर्क एक सेकंड बेटा लिंक जो है वो पिन किया हुआ है आप वहीं से ज्वाइन कर सकते हो ठीक है प्ले कार्ड ऑन फाइन ग्रीन सोफा हेलो राशि अभी तक हमें राघव दिखा नहीं है राइट ओह थैंक यू सो मच पूजा किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज वेरी गुड थैंक यू सो मच मुझे लगा था टाइम लगेगा लेकिन आपने कर दिया प्रथमेश प्रवीण ज्यादा कुछ नहीं अनुश्री ऊपर दिशांत अच्छा प्रवीण केरला चल अन नहीं आंसर दिया वेरी और अनंत की यहाँ या फाइलोजेनेटिक ट्री तो नहीं हरार की हम जरूर बोलते हैं उसको मूविंग ऑन हार्दिक हटा लो बच्चा हो को, को, रहा है ना मैम वो दो दो आंसर कर रहे हैं बॉटम ऑफ अ लेक टाइप ऑफ शॉक वेव्स इन वॉटर विल टेक प्लेस जल्दी बताओ यार ठीक है हाँ ये रीड आउट कर दे क्योंकि सक्षम नीट कह रहे हैं उनको क्लियर नहीं दिख रहा क्वेश्चन ये शरीफ है सानिया यहाँ पे ओके okay. सानिया हमारे लीडर बोर्ड पे अक्सर दिख जाती हैं आ जाती है इस इज थियोरिटिकल क्वेश्चन यार कर लोगे तुम लोग राशि गई है अगर

चलिए नहीं बेटा बी विल बी द आंसर चलिए मैम लीडर बोर्ड देख लेते हैं ओके okay, सो so यहां पे हम लीडर बॉटम ऑफ द लेक की बात हो रही है यहां पे ऋषि का आंसर नहीं आ पाया

ठीक है फेस नहीं पूछा ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं है, मैम बिल्कुल हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं किसका है यहाँ पे आप देखें बायो है कि केमिस्ट्री है क्योंकि फिजिक्स का एक आ चुका केमिस्ट्री है तो टू एटॉमिक स्पीसीज हैं एक्स वाई सच दैट ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट एक्स एंड वाई ठीक है क्या ट्रू होगा यहाँ पर फटाफट से देखिए टाइम कम है बेटा संचित सर ने कुछ और बोला होगा सर का स्टेटमेंट जाके सुनना ठीक है अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पोटरे होते हैं ठीक है मीनिंग क्वेश्चन पे डिपेंड मीनिंग क्वेश्चन वापस पढ़िएगा ठीक है चलिए हैं है? तो, है. हाँ, तो यहाँ पे डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी बेटा ठीक है मैम एक बार मैं बता देती हूँ इनको ठीक है तो यहां पर ठीक है यहां पर आप देखो ध्यान से यहां पर क्या है ये आइसोटॉप्स है ठीक है आइसोटॉप्स है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटोन एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग है और एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब है कि केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अलग होती है तो सी विल बी द राइट आंसर ठीक है सी विल बी द राइट आंसर चलिए तो मैम देख लें ये 200 दोनों अनुश्री का आंसर इस बार नहीं आ पाया तो दिशांत सैनी धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं ऋषि हैं हार्दिक टॉप पे चल रहे हैं प्रथमेश और सदाशिव ज्यादा कुछ नहीं है हार्दिक मुझे फिर से दो दिख रहे हैं कोई बात नहीं अनंत जया वानी एक नई स्टूडेंट की एंट्री, एंट्री हुई है चलिए वेरी गुड मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन है, है आधा मिनटी हो चुका है गाइस लेट्स सी ओके बायो का क्वेश्चन है बहुत इजी है यहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए सीधा सीधा जो नाम है उसी से हिंट आ रहा है तो यहाँ पे अब गड़बड़ हुई ना अगर मुझे बार्स ऊपर नीचे और बिल्कुल अलग अलग दिखे तो गड़बड़ हो जाएगी तनु तरुण इट डिपेंड्स ऑन योर गोल और एम व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ इन फर्दर क्लासेस पनिंद्र कह रहे हैं हलवा है सही है ना आज तो मुझे गाजर भी नहीं दिखी आज नहीं, विभागर भी नहीं दिखे हाँ विभागर भी नहीं दिखे मैम कार्तिक कह रहे हैं ए कोई कह रहा है ए इज द राइट आंसर जिन्होंने डी दिया है उनको मैं बोल दूं वो राउंड वर्म्स कहलाते हैं निमेटोडा उनको कॉमनली हम राउंड वर्म्स कहते हैं और प्लैटिहेल्मिंथिस बिल्कुल फ्लैट होते हैं डॉर्सो वेंट्रली तो प्लेनेरिया देखें टेप वर्म देखें ये सारे बिल्कुल फ्लैट है और एस्केरिस जो निमेटोडा जो बोल रहे हैं वो राउंड होते हैं वर्म्स ठीक है तो यही एक um, एक बेसिक डिफरेंस भी आता है और प्लेटिन को हम जब डिफरेंट करते हैं बच गए रे बाबा हार्दिक का एक तो डाइवर्सिटी थी तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं अब में पे कैरेट लिख के बोला चलिए हलवा क्वेश्चन है देखें हार्दिक आंसर का आया 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 सबने आंसर, आंसर दिया है यानी इस वाले क्वेश्चन में ओके और अनंत ने मैम फास्टेस्ट आंसर दिया है जय पर कंफ्यूजन क्या आता है तो राउंड वर्म्स है ना ठीक है आप कंफ्यूज हो गए तो अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते ओके नहीं ज्यादा कुछ नहीं है जय रानी अनंत इज फास्टेस्ट अनंतेंस ने फास्टेस्ट आंसर दिया सृष्टि है बनी हुई है ऊपर थी कोई बात नहीं अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि यस yes, विनय ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल नेक्स्ट विनय तो याद दिलाने आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है

अंशु मैम ने ये नोट तो कर लिया है बिल्कुल अंशु नोट किया है हम जरूर लेंगे ठीक है फ्रॉम 11th पोजीशन टू 31 संजय यानी कोई या तो क्वेश्चन आपका गलत हुआ होगा लेट्स सी मैम कितने लोगों ने सही आंसर दिया है ज्यादा टाइम नहीं है होने वाला है दिव्या भी कह रहे हैं ए है लेट्स सी ओह माय गॉड स्टिल इतने सारे लोगों ने गलत कैसे दे दिया यार बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपने एक्टिविटी तो देखी होगी ठीक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे बेस्ड क्वेश्चन है ठीक है ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे बेस्ड क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा यहां पर ठीक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे है हमें ये एक्स निकालना है सबसे पहली बात तो यहां पर साउंड जो है इट ऑबेज द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है आपको ये वाला एंगल निकालना है ठीक है अब हमें ये एंगल दिया हुआ है फिफ्टी डिग्री ठीक है और हमें पता है दिस so तो, so तो दोनों सो नाइनटी माइनस फिफ्टी से हमें ये वाला एंगल मिलेगा दैट इज इंसिडेंट एंगल ठीक है इंसिडेंट एंगल एंड ये रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर हो जाएगा so equals, X y, दोनों कितने आ जाएंगे फोर्टी डिग्री राइट आंसर फोर्टी डिग्री राइट आंसर ठीक है तो यहाँ पे फोर्टी डिग्री जो है वो राइट okay, right हो जाएगा आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं दिखा ओके बियॉन्ड द बुक्स ओके ऐसा भी कुछ करेंगे चलिए मैम लीडरबोर्ड देख लेते हैं लेट्स इस बार थर्टी लोगों ने सही जवाब दिया था और शायद सारे टॉप टेन ने सही दिया है सभी ने दिया है तो लेकिन यहाँ कार्तिक आ गए सीपी फैन ओह वाओ इनकी एंट्री हुई है ड्रैगन नाइट फास्टेस्ट है ड्रैगन नाइट ने नाम बताया था मैं भूल गई वो नाम बच्चे ने बताया था स्टूडेंट ने बताया ठीक है बेटा आप प्रवीण देखते हैं हम लोग आप यहां आंसर कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं लेकिन टाइम ओवर होने के बाद कीजिएगा ओके सो लेकिन बहुत सारे हमारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं सो हियर वी आर मूविंग ऑन टू द इलेवेंथ क्वेश्चन बी रोड एट जीरो आदिल आ गए हैं फॉलोइंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉटर मैंने इशारा भी कर दिया अब तो मैम ने भी बता दिया है तो कौन सा है तो केमिस्ट्री तो का। का बायो जो टर्म देख लिया ना मैंने गोइटर। बच्चों को हिंट वैसे एक बात अच्छा हिंट तो मैं नहीं अभी नहीं दूंगी बाद में दूंगी। बच्चों को आता होगा मैम बहुत इजी है मैम प्लीज से हाय। दिविजा हेलो ओके हाय दिविजा फिगर नहीं दिखता नहीं यहाँ पे तो कोई फिगर नहीं है यहाँ पे फोर्टी टू लोगों ने सही आंसर दिया है आयोडीन वन थर्टी वन यहाँ पे पी थर्टी टू एंड कोबाल्ट ठीक है सिक्सटी ये क्या है तीनों ही ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए यूज होते हैं बट यहाँ स्पेसिफिकली गोइटर के लिए जो यूज होता है वो है आयोडीन वन थर्टी वन ठीक है सिंपल अगर वन थर्टी वन याद भी नहीं आता है यस yes. और यहाँ पे थायरोक्सिन नहीं है तो ये होगा okay. ठीक है सो गोइटर स्वेलिंग हो जाएगी चलिए मैम यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं बिल्कुल लीडर बोर्ड को देख ले गया हार्दिक को नहीं पता था गोइटर नहीं लोग कैसे बोल रहे हैं श्री ऋषि और प्रथमेश का गलत हो गया यहाँ पे आंसर नहीं दे पाए या, और ऐसा कुछ हो सकता हो है। सकता है यहाँ प्रथमेश नीचे आ गए हैं और थोड़ा नीचे आ गए शिव ये सदा शिव जो नीचे थे वो ऊपर बढ़ने लगे लग 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 और लग ये जो दिशा सैनी है ना कंसिस्टेंटली वहाँ पे है और हार्दिक तो है नहीं एनी ऑफ दीज नहीं आएगा सृष्टि कैंसर के लिए तीनों यूज होते हैं लेकिन स्पेसिफिकली जो ग्वाइटर के लिए यूज होगा दैट इज आई वन थर्टी वन दैट इज आयोडीन नहीं अक्सर एक्चुअली क्या होता है ये सृष्टि और शिम्पी इन सबका मैं बोलूँ तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं जब ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज लाते हैं ना तो काफी हद तक वही आंसर हो जाता है Why नहीं मेरे केस में नहीं होता नहीं, मैं, मैं तो कंफ्यूज कर करने के लिए लाती इनको ऑल ऑफ़ ऑफ़ और मेरे केस में नहीं होता मेरे मेंटी में बहुत कमी से होता है ओके <laughs> okay, विनय कुमार uh, like, uh, अब हम हैबिट हो चुकी है भी, को देखते, पत। हम भागना शुरू कर देते हैं और ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक्चुअली क्या होता है राघव हमें जो मेंटी में और इन सब में मजा आता है आप लोगों के साथ आप लोगों के आंसर्स देख के ना तो फिर सेशन भी लाएंगे बिल्कुल लाएंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन वाले फाइलम्स में से किस में होता है सिंपल है कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यहाँ पे मैं चाहती तो कंफ्यूजन के लिए एक ऐसा फ़ाइलम देख सकते थे जिसमें वाटर कैनाल सिस्टम भी होता है बट यहाँ सिंपल स्ट्रेट है डायरेक्ट है हलवा से भी हलवा पूजा लेकिन जिसको डायवर्सिटी आती है सबके लिए हलवा नहीं है हा, God, हाँ थैंक गॉड मुझे यहाँ सो यस कार्तिक सिंह ए प्रथम ये प्रथम ही है क्या प्रथमेश यहाँ पे

दिव्य वापस और हार्दिक ने फास्टेस्ट आंसर दिया है इनका तो फेवरेट है यार डाइवर्सिटी मैम फिर दो क्वेश्चन लेट तो जॉइन किया हो? नहीं दो क्वेश्चन ही बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं या शायद आप कर रहे होंगे बहुत देर से साई संदीप कोई तो बात नहीं मैम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बिल्कुल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विनय आपने हमें याद नहीं दिलाया इस बार भूल गए विनय कई बात नहीं हम फटाफट यस दे हैव स्पाइन कहते हैं ओके पार्ट ऑफ ह्यूमन इजी इजी है बहुत है वेरी सिंपल हलवा है है ये ये तो सच्ची हलवा हलवा ना का भी हलवा का भी हलवा है बायो में भी आता है और फिजिक्स में भी आता है हार्दिक प्रतंग में एक कॉम्प्रोमाइज एक घंटे तो हमें दे सकते थे वन एंड हाफ आवर में हमने कंप्लीट किया था लाइव रिकॉर्डिंग जरूर आई थी दिवाली के आसपास मुझे याद है ये yeah. आंसर तो मैम मैं दूंगी बिल्कुल मैम आप ही देना आपने बता भी दिया टाइम है दियाट इज सी पिना ये वाला एरिया जो है तो yes. yes. हार्ट थोड़ी चल रहा है जो ऑरिकल और वेंट्रिकल करेंगे ठीक है

दिशान ने आंसर नहीं कर और कोई बात नहीं यहाँ पे दिशान नीचे आ गए हैं ऋषि बाकी सब कुछ संचित आ गए हैं संचित आपकी वो लीफ थी ना जो शुरू में दिखाई थी आपने वो आ चुकी है फनिंद्र आ गए हैं वाव बहुत ज्यादा नेक टू नेक कंपटीशन है विनय आपने बोला नहीं मेरे को फिर भी याद है मुझे मूव करना है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है। ज़्यादा नहीं बचे हैं ऑफ़ नियन इज ये तो बता की बता की बता बतानी है ये तो मैम यूँ ही कर देंगे ये लोग बहुत सिंपल है

वेरी गुड नियोन की वैलेंसी जीरो नोबल गैसेज कहते हैं तो, है yes, okay? तो मैम लीडर बोर्ड दिखा देते हैं बिल्कुल फटाफट से टाइम ही नहीं लगाएंगे ओके लेकिन संचित आप स्टिल बोर्ड पर है और अभी भी हैं और आपके मार्क्स जुड़ रहे हैं आप हैं यहाँ पे वेरी गुड ठीक है यहाँ दिल्ली से जो फास्टेस्ट फास्टेस्ट फास्टे। फास्टेस्ट आंसर दिया और है और लेकिन बाकी दिशांत जो नीचे आए हैं अनुश्री चल रही अभी है वेरी गुड फनिंद्र बाकी कुछ नहीं है बाकी मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ही होगा अब तो जल्दी से जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मैम ऑल द बेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं ओके लेट्स सी मैम बायो का क्वेश्चन आ गया है चलो फटाफट से दो हिंट मिले हैं टिश्यू लेवल और डिप्लोब्लास्टिक इस बेसिस पे आपको यहाँ पे फाइलम फाइंड आउट करना है फाइलम फाइंड आउट करना है टिश्यू लेवल होना चाहिए और डिप्लोब्लास्टिक होनी चाहिए अब मेरे ख्याल से डिप्लोब्लास्टिक भी क्या देना था अगर मैं खाली टिश्यू लेवल भी लिख देती ना तब भी यहाँ पे आंसर वही होता ठीक है मेरे फटाफट से सीसी मैम मेरी सुनो स्टार्ट पूजा गिविंग हिंट्स शिम्पी को बहुत याद आ रही है हिंट्स की इसमें हिंट्स दिया मैंने कि डिप्लो लास्ट नहीं देती तो भी आंसर होना था अरे बाप रे बेटा निडेरिया इज द राइट आंसर सी और इतने सारे लोगों ने गलत कैसे कर दिया जो ये गलत कर रहे हैं ना वो सेल्यूलर लेवल है पोरी की बात करें प्रोटोजोम तो वैसे ही किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं यूनि सेल्यूलर तो वहां तो टिश्यू होना ही नहीं है बिल्कुल हार्दिक की बात कर रहे हैं सिलेंट्रेटा और बाकी तो फिर मल्टीथेस यहाँ पे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम इसके बाद यहाँ से शुरू हो जाता है प्लेटी में ट्रिप्लो कंडीशन शुरू हो जाती है ऑर्गन लेवल आ जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल इसके बाद जाता है तो सिंपल है मुझे समझ नहीं आया ये, पोरिफेरा ये नहीं होना किया? था। पोरिफेरा सिंपल लेवल है ड्रैगनाइट अच्छा। okay, तो आंसर नहीं, नहीं दे पाए तो वो नीचे आगे ऋषि वापस से ऊपर जा रहे हैं दिशांत मैम थर... के अनाउंसमेंट भी बता देंगे हम क्लासेस मंडे ट्यूसडे दोनों का ही बता देंगे आज से बिल्कुल

ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे कैम नहीं है बिल्कुल कैम है ये शायद फिजिक्स है सो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अ अ साउंड सोर्स एंड रिफ्लेक्टर फॉर डिस्टिंक्ट इको शुड बी शुड बी कितना होना चाहिए एस एस गेमिंग बिल्कुल आप जरूर आइएगा हमारी क्लास में वन से टू मैम लेंगे टू टू थ्री मैं लूंगी हेलो प्रीति गोयल आए यार गाइस हमारे जाने से पहले ना एटी लाइक्स तो कर दो यार फटाफट से लाइक कर दो सेशन को ठीक है नेहा ने भी जवाब दे दिया यहाँ पे विनय वेरी गुड है मतलब यहाँ पे एटलीस्ट सेवनटीन पॉइंट बी एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा ठीक है और एटलीस्ट कम से कम, कम तो एटलीस्ट 17.2 पॉइंट टू होना चाहिए उससे कम नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा होगा तो चलेगा ये तो रैपिड वाले हाँ देखिए थोड़ा याद है कुछ। कुछ। तो मैम इनको लीडर बोर्ड दिखा देते हैं शिमपी ओके मैं सब कुछ पढ़ा दूंगी यहाँ पे धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है मैं सब कुछ लोगों के साथ वेस्ट uh, बंगाल की एन का रिवीजन जरूर है लेकिन शायद वेस्ट बंगाल की डेट एक बार देख लेते हैं और गाइस हमारे जाने से पहले यार 80 क्रॉस करा दो लाइक्स को फटाफट कीप लाइकिंग द सेशन कीप हिटिंग की हमें वेस्ट बंगाल की डेट अपडेट अपने गलत कर दिया है मैम ओहो oh, 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 बहुत नीचे आ गए फने फास्टेस्ट थे बाकी लोग हरनूर हैं हैं सात्विक सात्विक आए इज इन टॉप 10 वेरी गुड ऑन ऑल दिस आज गाना गा नहीं बेटा यार, गाना गाना नहीं नहीं okay, okay, नहीं बेटा बेटा यार आता ओके ओके कोई बात दो क्वेश्चंस और बचे हैं सिर्फ दो क्वेश्चन डाइवर्सिटी questions... के लेक्चर्स का है? बिल्कुल है हमारे ई करियर पॉइंट ऐप में प्रीति मैंने बहुत डिटेल में डाइवर्सिटी के लेक्चर्स लिए थे यूट्यूब पे लेकिन वो आपको इज़िली मिल सकते हैं हमारा एक एमिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन शेल जल्दी से जब तक बच्चे ये आंसर कर रहे हैं मैं प्रीति का रिप्लाई दे देती हूं बिल्कुल मैम गूगल से आप जाएंगे ई करियर पॉइंट ऐप लेंगे तो वहां पे जब आप उसको ओपन अप करेंगे तो वहां फ्री स्टफ में आपको हमारे सारे लेक्चर्स की वहां पे पीपीटी है वीडियो है सब कुछ अवेलेबल हो जाएगी धीरे धीरे नाइन्थ के कॉन्सेप्ट याद आ रहे हैं यहाँ क्लासर टूम ऐसा लग रहा था शायद डेट चेंज हुआ है वेस्ट बेंगाल का अगर कल ही है तो देखें कुछ प्लान करें ठीक है ये भी एक तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हैं हमने काफी क्वेश्चन जनरल ही लिए हैं एंड गाइस कीप हिटिंग लाइक्स यार कीप हिटिंग लाइक्स मैम आप भी बोल दो इनको ये yes.

हार्दिक बने हुए हैं अनुश्री ड्रैगन ऊपर आ रही है नाम बता दो यार ऋषि नहीं दिख रहे हैं मुझे वो हट गए हैं शायद संचित फास्टेस्ट है और दिव्य है यहाँ पे वो नाइन्थ के चैप्टर्स को रिकॉल करके हैं लेकिन बहुत बढ़िया कर रहे हैं वेरी गुड विनीत यस यू आर लिटिल लेट लिटिल एंड ऑलमोस्ट वी यूर यूर टू लेट यू आर टू लेट बच्चा वी आर अबाउट टू फिनिश वी आर गोइंग टू डू द लास्ट क्वेश्चन हियर लेट्स सी द लास्ट वन मैम करीना लास्ट का ठीक है रेडी रहना लास्ट है ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट देखें किसका है देखते हैं मैम अब तो मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है कि क्या होगा मुझे भी लग रहा है मैम क्या होने वाला है आज तो व्हिच क्वेश्चन इज दिस बायोलॉजी आज तो बायो से एंड है हार्दिक कुछ यहाँ के भी हैं सिंपल है सीड्स तो बनेगा लेकिन फ्रूट नहीं होंगे तो इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सीड की फॉर्मेशन तो हो रही सीड तो है लेकिन इट इज नॉट कवर्ड बाई फ्रूट इससे ज्यादा हिंट मैं नहीं दे बहुत ज्यादा हिंट दे दिया है मैम ने यार आप लोगों को ये yes, सारे के सारे प्रीति फ्री में है वहाँ फ्री स्टफ में हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के यहाँ पे हम बिल्कुल बात कर रहे हैं इसकी मुझे पता था की बात हो रही है डी इज़ द राइट आंसर ये जो किया है मैं समझ गई उनको कंफ्यूजन था सीड फॉर्मेशन में लेकिन मैंने बार बार बोला फ्रूट नहीं होगा जब सीड्स आर कवर्ड बाय फ्रूट तो वो एनजीओ में आ जाएंगे राइट फ्रूट्स आर देयर ओवर सीड्स फिर वहां पे आगे जाके हम मोनोकॉर्डकॉर्ड पढ़ते हैं लेकिन में है नेकेड नेकेड सीड्स सीड्स जिम्नो और हम डिवाइड करके बोलते ये हैं दे हाँ दे हैव आर नॉट कवर्ड बाय फ्रूट्स अब फिंगर्स क्रोस। फिंगर्स क्रॉस चल गया होगा इनको कि विनर कौन है कौन विनर देने वाले यार ओके तो मैम ऑल दी बेस्ट ऑल दी बेस्ट लेट लेट सी हु हैज वन दिस काश थर्ड आ जाऊं देखते हैं संचित ठीक है हम देख लेते हैं मैम देखते हैं और यहाँ पे हमें पता चल रहा है बोर्ड ओके यहाँ दिख रहा है मैम क्लियर हमें भी समझ में आ गया समझ और... आ गया है और फास्टेस्ट आंसर फनिंद्र ने दिया था इस बार ओके okay, हार्दिक जैन आई एस आई टी वन दिस मेंटी very good. अनुश्री आई है night night. है ड्रैगन थर्ड कौन यार, नाम तो बता दो यार. एक बताया था मेरा स्लिप हो गया से वो, प्लीज एक बार और आप अपना नाम बताएं संचित और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी उस हिसाब से काफी अच्छा दिल है देर से थे ऋषि अनवेश नाइन ग्रेडर जो है वो नाइन्थ है और, और फनिंद्र ने इस बार फास्टेस्ट आंसर दिया था टेंथ है अनुश्री नहीं बेटा अगर आपका पिक है यहाँ पे तो कोई दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं है सो गाइस यहाँ पर आपको तीनों को हार्दिक अनुश्री ड्रैगन आइट अनुश्री को भी नहीं भेजना मेरे ख्याल से हार्दिक को भी नहीं भेजना है नहीं भेजना हाँ तो यहाँ पे सपोर्ट एट द रेट सी पी आई एल डॉट इन पर अपना फोटो भेज देना ठीक है नहीं मुझे याद आ गया पहले जो ड्रैगन नाइट बोला था वो दिव्य ने बोला था अब अनुज बोल रहे हैं सो so, यहाँ देखना पड़ेगा कौन है मैं पहली बार मेंटी में सारे सही हुए हैं है, और है। आपको मंडे को वन पी एंड टू पी दोनों टाइम पे प्रेजेंट रहना है फॉर द क्लास एंड ट्यूसडे को वन पी एम मेन्टी ठीक है

ठीक है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मेंटी में तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करना है आप लोगों को ठीक है ऑल द बेस्ट बाय है और अपना ध्यान रखिए अगेन बाय बाय केयर टेक केयर